सीएम विष्णुदेव साय बुधवार को रायपुर में आयोजित संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह में हुए शामिल। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमने कई बड़े बड़े कार्य संपन्न किए हैं। मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। शपथ लेने के दूसरे दिन 18 लाख गरीब लोगों पर प्रधानमंत्री आवास दिए जाने का निर्णय लिया गया है। हमारी पार्टी का वादा था कि भाजपा की सरकार में जो मुख्यमंत्री होगा वह पहला काम 18 लाख गरीबों को पक्का मकान स्वीकृत करेगा और 13 दिसंबर को सरकार ने शपथ ली। 15 दिसंबर को ये वादा पूरा किया। किसानों के खातों में करोड़ों रुपए से ज्यादा बकाया बोनस की राशि दी गई है। उनका माल्यार्पण कर आज के इस भव्य समारोह का शुभारंभ करेंगे माननीय अतिथिगण। भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। भारत माता की। धमतरी जिला भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, उसके बाद बलौदा बाजार जिला भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और मंडल अध्यक्षगण, पहले धमतरी फिर पहली अभी महासमुंद धमतरी फिर बलौदा बाजार। ये आखिरी अभिनंदन समारोह है। इसके पहले 4 संभाग का हो चुका है। आपके यहां भी 5 तारीख को आयोजित था लेकिन कुछ कारणों से उसको एक्सटेंड करके आज ये संपन्न हो रहा है। और आज का ये अभिनंदन समारोह वास्तव में हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं का है, हम लोगों का, नेता लोगों का नहीं है। आज हम सब लोग आप लोगों का अभिनंदन करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने 2023 के विधानसभा चुनाव में तन मन धन से परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए आप सब लोगों ने ऐतिहासिक विजय दिलाई है। 54 सीट पहली बार, पहले भी 3 बार सरकार बनाए हैं लेकिन उस समय इससे कम ही सीट थी और वोट परसेंट भी देखें तो 46% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो ये सब आप लोगों के बदौलत हुआ है, आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता लोगों के बदौलत हुआ है और आज आप सब लोगों का सम्मान करने आए हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे डिप्टी सीएम, मंत्रीगण और सभी महानुभवगण सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने अपने जगह पर उठकर आप सब लोगों का नमन करें, आप सब लोगों का वंदन करें कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर बहुत बड़ा विश्वास किया है। मोदी जी की गारंटी, जो हमारा संकल्प पत्र था, उस पर विश्वास किया है। तो प्रदेश की जनता को भी, प्रदेश के मतदाताओं को भी बहुत बहुत बधाई, उनको भी धन्यवाद। और हम आज के इस अवसर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी सहित जितने भी राष्ट्रीय नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री चुनाव कैंपेनिंग के दौरान यहां पर आए, कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी,
जो हमारे प्रदेश के संगठन के प्रभारी और चुनाव के भी प्रभारी थे, जब वो पहली बार प्रभारी बनकर छत्तीसगढ़ में आए तो उस समय बोलते थे कि छत्तीसगढ़ में सरकार निश्चित रूप से बनेगी, तो हम लोगों को भी विश्वास नहीं होता था। आप सब लोगों को मालूम है कि कांग्रेस कितना ओवर कॉन्फिडेंस में थी, हमारी पार्टी को लोग गिनते ही नहीं थे। लेकिन चूंकि ओम प्रकाश माथुर जी ऐसे संगठन के शिल्पी, जो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में प्रभारी रहकर वहां सरकार बनाए, तो उनको छत्तीसगढ़ बहुत छोटा लगता था और उन्होंने शुरू में ही आकर यह आश्वस्त किया था कि छत्तीसगढ़ में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनकर रहेगी। आज उनका, आदरणीय शिव प्रकाश जी का, आदरणीय नितिन नवीन जी का, मनसुख मांडविया जी का, अजय जामवाल जी का, सबका पूरे प्रदेश के अंदर निचले स्तर तक जाकर सब लोगों ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने का काम किया और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता एकजुट होकर टीम भावना से काम किए और इतनी बड़ी विजय श्री हम लोगों को मिली। तो ऐसे सभी हमारे नेताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चुनौती भी हम लोगों के सामने में है, इतनी बड़ी जीत यहां की जनता ने दिलाई है, मोदी की गारंटी में विश्वास की है, तो आज मैं मुख्यमंत्री के नाते आप सभी कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो निश्चित रूप से आने वाले 5 साल में जो भी वादा हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से की है, वो एक एक वादा पूरा करके रहेंगे। आज आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारी सरकार को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, अभी 25-26 दिन ही हुआ है, लेकिन इतने कम समय में ही सरकार ने कई निर्णय लिए हैं। 13 दिसंबर को सरकार ने शपथ लिया और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बुलाकर, जो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि पहला काम सरकार का होगा जो 18 लाख गरीब लोग पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, उनका आवास स्वीकृत करने का काम होगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था। हमारी मोदी की गारंटी में भी वादा है और 14 तारीख के कैबिनेट में ही हम लोगों ने यह निर्णय ले लिया है कि 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनेगा। 3 दिन का विधानसभा सत्र बुलाकर अनुपूरक बजट पास करके जो राज्यांश होता है उसकी व्यवस्था हम लोग कर लिए हैं और बहुत जल्दी प्रधानमंत्री आवास बनने का काम छत्तीसगढ़ के अंदर में शुरू हो जाएगा। दूसरा एक वादा और पूरा किए हैं, जब अपनी सरकार थी 15 साल तो 2 साल का किसानों का बोनस नहीं दे पाए थे, जिसको कांग्रेस पार्टी ने भी अपने जन घोषणा